हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके, बहुत ही टेस्टी है ये। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक साउथ इंडियन डिश है ये, जो कि ये हैदराबाद वगैरह में बहुत ही इजी मिल जाता है। बट हम क्यों ना घर में ही इसको बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक साउथ इंडियन डिश है ये फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप ज़रूर इस तरह से मेरे तरीके से बना करके देखेंगे ना, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, मेरी गारंटी बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके साथ का ये कॉम्बिनेशन नारियल की चटनी, आप चाहे तो उसके साथ में पीनट की चटनी बना सकते हैं, और चाय बनाने से मज़ा ही आ जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए टेस्टी टेस्टी हम ये मैसूर वोंडा या मैसूर भज्जी भी आप बोल सकते हैं बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ में मैसूर वोंडा या मैसूर भज्जी भी आप इसको बोल सकते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करते हो। तो हम इस तरह का एक मिक्सिंग बोल लेंगे, और इसमें हम डालेंगे एक कप ये दही। दही थोड़ा खट्टा रहेगा तो भी चलेगा। ये दही को इस तरह से मैंने 2 दिन हो गए थे जमाए थे, तो जितना अच्छा रहेगा खट्टा, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना दही लेना है, आप इसको फ्रेश दही से भी बना सकते हैं। तो बस हमने दही डाल दी 1 कप, और इसी में हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से डालिए, और इसे डालूंगी 1 टीस्पून ये बेकिंग सोडा है। और पहले हम अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये तीनों चीज़ों को हम इस तरह से इसके इसको मिक्स कर ले रहे हैं। तो इसको देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसमें हम डालेंगे मैदा, तो मैं 2 कप मैदा लूँगी। पहले हम 1 कप डाल रहे हैं, और धीरे धीरे करके ही हम इसमें मैदा डालेंगे और मिक्स भी करते जाएंगे। तो मैं इसमें ये 2nd कप भी इसमें डाल देती हूँ, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसको विस्क से मिक्स करूँगी, फिर हाथ से इसको हम फेटेंगे। तो मैं इसको हटा लेती हूँ। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरह से हाथ से ही मिक्स कर रहे हैं। अभी काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा ये पानी डालूँगी, करीबन 2 से 3 चम्मच जितना ये पानी डालेंगे, और इसको हम अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको मैं फेंटूँगी, फिर मैं इसमें बाकी की भी चीज़ें ऐड करूँगी। तो हमें बिल्कुल इस तरह से जेंटली इसको अच्छे से फेंटना है। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से इस तरह से फेंट लिए हैं। तो आप ये देखिए, एकदम बढ़िया ये स्मूथ भी हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी के भी चीज़ें ऐड कर देंगे। बस हम इसको इस तरह से रख ले रहे हैं। मैं इसमें थोड़े से ये करी लीव्स डाल रही हूँ, उसको मैंने कट कर लिया है। और ये 1 चम्मच हमने जिंजर और इस तरह से ग्रीन चिली को अच्छे से इस तरह से कद्दूकस कर लिए, कूट लिए थे। बस इसको भी डालने के बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। आप इसमें चाहें तो फ्रेश इसमें नारियल भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से बस मिक्स कर लेना है, और मैं अब इसको कवर करके फर्मेंट करने के लिए रखूँगी। तो करीबन मैं इसको 1 घंटे के लिए इसको छोड़ने वाली हूँ। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ 1 घंटे के लिए, ये अच्छे से फर्मेंट भी हो जाएंगे। 1.5 घंटे हो गए, मैं इसको इस तरह से खोल के चेक करती हूँ। तो ये देख सकते हैं कितना बढ़िया, ये देखिए फर्मेंट भी हो गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम बढ़िया ये फर्मेंट हो गया। इस तरह से आप ये छोड़ देंगे ना, तो फर्मेंट भी बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप तुरंत भी इसको इस तरह से अच्छे से फेंट करके बना सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने कढ़ाई में सिर से ऑयल चढ़ा लिए, ये ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपना ये वोंडा डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये पानी लेंगे। तो हम पानी इस तरह से हाथ में अच्छे से पहले लगा लेंगे, उसके बाद हम ये, अगर आपको हाथ से नहीं बनता तो आप इसको चम्मच से भी इस तरह से डाल सकते हैं। तो अब चलते हैं, हम कढ़ाई में डालेंगे। अब मैं इस तरह से तेल में डालूँगी, बस इस तरह से ये धीरे डालते जाएंगे। जितना इस तरह से कढ़ाई में लगा हो उतना ही हम डालेंगे, एक बार में हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसको फूलने के लिए भी जगह चाहिए। तो आप ये देखिए, धीरे धीरे आप देखिए फूल के इस तरह से ये टर्न भी अपने आप ही टर्न भी हो जा रहा है। आप देखिए कितना बढ़िया ये एकदम बलून की तरह ये फूल रहा है। बस इस तरह से हम ये थोड़े थोड़े डालते जा रहे हैं, और इसको बस इसको फ्राई होने देंगे। तो बस अब इसमें हम और नहीं डालेंगे, इसको फूलने के लिए भी जगह चाहिए, और इसको अभी हम टर्न नहीं करेंगे, ये अपने आप ही धीरे धीरे टर्न हो जाए, एक साइड से अच्छे से सिक जाए, फिर मैं इसको टर्न करूँगी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं धीरे धीरे, देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया। और इसको हम इस तरह से उलट पलट करके अच्छे से इसको फ्राई कर ले रहे हैं,
अब हम इसको निकालेंगे। तो आप इसका कलर देखिए कितना बढ़िया, ये एकदम बढ़िया फ्राई हो गया। अब मैं इसको इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब बस इसको हम इस तरह से प्लेट में एक टिश्यू पेपर लगा लिए हैं और सारा निकाल लेते हैं और बाकी का भी जो हमने रखे हैं उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया ये एकदम टेस्टी सा ये हमारा गोंडा बन करके तैयार हुआ है। तो हम सारा निकाल लेते हैं और बाकी का भी फ्राई कर ले रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारे सारे मैसूर वोंडा बन करके तैयार है। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, तो सोचिए खाने में भी कितना बढ़िया लगेगा। एकदम टेस्टी टेस्टी सा हमारा मैसूर वोंडा फटाफट से बन करके तैयार है। इसके साथ देखिए मैंने इस तरह से नारियल चटनी लिए हैं। आप चाहें तो इस तरह से पीनट की भी चटनी बना सकते हो, उसके साथ भी बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक मैसूर वोंडा इस तरह से तोड़ करके दिखा रही हूँ। ये काफ़ी गर्म है अभी, ये देखिए अंदर से आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, आप देखिए कितनी बढ़िया है। देखिए जाली जैसे बन करके तैयार हुए और एकदम सॉफ्ट है ये हमारा, टेस्टी टेस्टी सा देखिए झटपट से बनने वाला। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।